रामचरित मानस की इस परिचर्चा में आप सभी सुधी जनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से श्री ओम प्रकाश गुप्त जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस विद्वत मंडली के सामने मुझे दो शब्द कहने का अवसर दिया है। आज का विषय राम कौन चर्चा के लिए रखा गया है। राम राम जय श्री राम से राम नाम सत्य है तक की यात्रा के राम भारतीय जनमानस की आस्था के प्रतीक हैं। राम केवल व्यक्ति नहीं है बल्कि पूरी व्यवस्था है। इसलिए राम को हम दशरथ नंदन या अयोध्यापति या विष्णु का अवतार तक सीमित नहीं करते बल्कि उनके आचरण और चरित्र के प्रतिफल को राम राज्य कहते हैं। राम शब्द का प्रयोग अयोध्या नरेश दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में और उनकी जीवन लीला का वर्णन करने वाले ग्रंथों में तो हुआ ही है। निर्गुण धारा के संतों की वाणी में भी इस शब्द का विस्तृत प्रयोग हुआ है। नामदेव, कबीर, रविदास, गुरु नानक आदि संतों की वाणी में सैकड़ों बार राम शब्द प्रयुक्त तो होता है। वाल्मीकि रामायण में राम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ के समय देवतागण यज्ञ में सम्मिलित होकर भगवान विष्णु से लोक कल्याण के लिए रावण वध की प्रार्थना करते हैं। त्वाम नियोक्षामहे विष्णु लोकानाम हित काम्या तत्र त्वम मानुषो भूत्वा प्रबद्धम लोक कंटकम अवध्यम देवतैश विष्णु समरे जहि रावणम। हे विष्णु, लोक हित के लिए आप मनुष्य रूप में अवतार लेकर देवताओं से न मारे जा सकने वाले रावण का युद्ध में संहार कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में श्री राम के जीवन से संबंधित प्रसिद्ध कथा का वर्णन किया है, परंतु राम के प्रति उनकी दृष्टि और धारणा सर्वथा भिन्न है। सामान्यतः ईश्वर के अवतार चमत्कार युक्त होते हैं, लेकिन मानस के राम मर्यादा पुरुष हैं। वे चमत्कार पुरुष नहीं हैं। उनके जीवन में आने वाली परिस्थितियां और समस्याएं वैसी ही हैं जैसी एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में होती हैं। श्री राम का विवेक, पौरुष और आचरण उन्हें प्रत्येक चुनौतीपूर्ण स्थिति में सफल बनाता है। इन्हीं तीन गुणों के कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। रामचरित मानस पाठक को कालजयी राम कथा के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं, व्यवहार के उच्च आदर्शों, जीवन की व्यवहारिक कठिनाइयों, कुमार्ग पर चलने वालों को सावधान शैली में नसीहत देने जैसे न जाने कितने प्रसंगों से अभिसिंचित करता है। इसका नायक नीति धर्म, राजधर्म, राजनीति, पातिव्रत धर्म, भ्रातृधर्म, मित्रता, त्याग, आत्मसंतोष के उच्च आदर्शों को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से पारिभाषित करता है। राम को इन्हीं गुणों के कारण हनुमान जैसे भक्त, विभीषण जैसे विश्वासपात्र, केवट जैसे प्रेमी, सुग्रीव जैसे सहयोगी, जटायु जैसे शुभचिंतक, जामवंत जैसे रणनीतिकार, लक्ष्मण जैसे समर्पित भाई और न जाने कितने सहयोगी मिले। राम की सर्वग्राह्यता का तुलसीदास ने बड़ा व्यापक उपयोग किया है। आप स्मरण करें कि तुलसीदास का रचना काल यानी 16वीं शताब्दी तमाम उथल पुथल का वह समय है जब राजनीतिक, सामाजिक और व्यवहारगत मूल्यों में ह्रास हो रहा था। इस पृष्ठभूमि में तुलसीदास ने राम के आचरण और व्यवहार से उच्च आदर्शों की स्थापना की है। इसीलिए तुलसीदास के राम एक विवेकवान और आचरण युक्त व्यक्ति पुरुष की तरह सरल भाषा और उदाहरणों के साथ उच्च आदर्शों की बात करते हैं। सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के बाद श्री राम प्रवर्षण पर्वत पर निवास करने लगे। वर्षा ऋतु का समय था। वर्षा ऋतु में प्रकृति के नाना रूप प्रकट हो जाते हैं, जैसे बादलों का घुमड़ना, बिजली का चमकना, बूंदों का गिरना, जल जमा होना, उसका बहना, कीचड़ हो जाना, वर्षा के बादल की से धूल साफ हो जाना आदि आदि। तुलसीदास ने श्री राम के मुख से प्रकृति के इन रूपों को मानवीय जीवन की मनस्थितियों से जोड़कर नीति के उपदेश दिलवाए हैं। श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि राम की जो ग्राह्यता है
जो आस्था के आधार बनने का जो स्वरूप है वो कैसे बना, मैं इसके कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राम कहते हैं, बिजली की चमक बादलों में उसी प्रकार से नहीं ठहरती जैसे दुष्ट व्यक्ति का प्रेम स्थिर नहीं होता, वास्तव में वह केवल स्वार्थ सिद्ध तक ही रहता है। बादल धरती के समीप आकर वैसे ही बरस रहे हैं जैसे विद्या प्राप्त कर विद्वान विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत वैसे ही सहते हैं जैसे संत दुष्टों के वचन सहते हैं। छोटी नदियां वर्षा का जल पाकर अपने ही तट को वैसे ही तोड़ देती हैं जैसे थोड़ा अधिक धन पाने पर धनान व्यक्ति अपनी मर्यादा लांघने लगता है। वर्षा का शुद्ध जल पृथ्वी पर पड़ते ही उसी प्रकार मटमैला हो जाता है जैसे आत्मा का अंश जीवन पाकर मोह माया में लिप्त होकर दूषित हो जाता है। नदी की धारा समुद्र में विलीन होकर वैसे ही स्थिर हो जाती है जैसे आत्मा परमात्मा में मिलकर मोक्ष प्राप्त करती है। वर्षा के बाद हर ओर घास उगाने के से रास्ते वैसे ही विलुप्त हो जाते हैं जैसे पाखंड के प्रचार से सद्विचार लुप्त हो जाते हैं। पेड़ों पर नए हरे हरे कोपल वैसे ही पल्लवित हो रहे हैं जैसे साधक का मन विवेक युक्त होने पर प्रफुल्लित हो जाता है। मदार और जवासा के पौधे उसी प्रकार पत्ती विहीन हो गए हैं जैसे सुशासन में अव्यवस्था का लोप हो जाता है। भारी वर्षा से खेतों में कई क्यारियां फूट गई हैं जैसे नियंत्रणहीन होने पर समाज बहक जाता है। कुशल किसान खेतों से घास आदि निकाल रहे हैं जैसे विद्वान लोग मोह मद और क्रोध का त्याग कर देते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में अंधेरा और सूर्य के आगे आने से प्रकाश हो जाता है जैसे कुसंग पाकर ज्ञान छिप जाता है और सुसंग पाकर प्रकट हो जाता है। आपने देखा कि राम कितने सरल और सटीक उपमाओं से समाज में मूल्यों को परिभाषित कर रहे हैं। यही राम की ग्राह्यता की कसौटी है। राम कौन है इस प्रश्न पर विचार करते हुए पाता हूं कि राम लौकिक जगत के आम आदमी के स्तर पर उतरकर उसकी सोच और आचरण में उत्थान करने वाले विलक्षण कारक हैं। एक प्रसंग में राम मित्र की पहचान और उसकी दो कसौटियों की चर्चा कर रहे हैं। पहला, जो मित्र अपने पर्वत जैसे दुख को धूल समान छोटा और मित्र के धूल समान दुख को पर्वत के समान बड़ा मानकर खड़ा नहीं होता, ऐसी मित्रता व्यर्थ है। दूसरी कसौटी बताते हैं, सच्चा मित्र अपने मित्र को कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर लाता है, उसके गुणों की चर्चा करता है, उसकी कमजोरियों को छिपाता है। श्री राम कहते हैं कि मित्रता में लेन देन का कोई स्थान नहीं होता। बड़ी महत्वपूर्ण बात, लेन देन का कोई स्थान नहीं होता। लेन देन लौकिक वस्तु है जबकि मित्रता पारलौकिक है। तुलसीदास के राम ने मित्रता की कसौटी के संबंध में शताब्दियों पूर्व जो बातें कह डाली उसे 20वीं सदी के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फॉस्टर ने कोऑपरेटिव सपोर्टिव केयरिंग बिहेवियर से परिभाषित किया। श्री राम के व्यक्तिगत चरित्र और विचारों में राम राज्य के बीज निहित हैं। दंड जति कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, जीतहु मन ही सुनई अस रामचंद्र के काज। राम राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में रहता है। भेद संगीत में राग विभेद के लिए प्रयोग होने वाला शब्द मात्र रह जाता है। जीत का अर्थ किसी को प्रसन्न कर उसका मन जीतने तक सीमित है। राजनीति में साम दंड भेद के प्रचलित सिद्धांत में प्रतिद्वंदी को समझाना, फिर प्रलोभन देना, कठोरता करना और अंत में उसकी सुरक्षा में सेंध लगाकर उसे जीतने का अर्थ होता है, लेकिन राम राज्य में इन शब्दों ने अपने अर्थ खो दिए हैं। राम इसी राम राज्य के प्रतिबिंब हैं, जिसमें भय, कपटता, धूर्तता, क्रोध, असहनशीलता का कोई स्थान नहीं होता। सबका मंगल, सर्वत्र मंगल, कण कण में मंगल की भावना प्रबल हो जाती है। मैं ऐसे राम को नमन करता हूं और इसी राम को खोजने का निरंतर प्रयास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।